हेलो गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कोरवस के 7.5 के ऑफिशियल अपडेट के बारे में, जो कि रेडमी नोट 5 प्रो के लिए है। और यहाँ पे हम बात करेंगे क्या कुछ इस अपडेट में हमें देखने को मिलता है और क्या कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है, और बैटरी बैकअप एंड पबजी हमारा जो है किस तरीके से देखने को मिलता है यहाँ पर परफॉर्मेंस उसकी, तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए आए हैं और आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाए करेगी, जो भी रिलेटेड सारी अपडेट्स जो है आपको वहाँ पर मिल जाए करेगी। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अवार्ड फोन में, तो एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है और कोरवस का 7.5 ओमेन ऑफिशियल देखने को मिल जाता है, और 5 जुलाई 2020 की सिक्योरिटी पैच मिलती है, और जो एक्सटेंडेड का कर्नल यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है यहाँ पे, और साथ साथ सेलिनक्स जो हमारा यहाँ पे इनफोर्सिंग देखने को मिलने वाला है। और बात करते हैं स्टेटस बार की, तो स्टेटस बार में हमारा एक टॉगल ऐड किया गया है यहाँ पे, तो जैसे कि अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो म्यूज़िक का जो टॉगल है न्यू यहाँ पे ऐड किया गया है इस अपडेट में, तो आपको देखने को मिलने वाला। बाकी सारे ऑप्शन तो हमें देखने को ऑलरेडी पहले मिल जाते थे। एंड बात करते हैं यहाँ पे हमारे कॉलिंग की, तो वीडियो कॉलिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रही है, कॉल रिकॉर्डिंग भी आप कर पाओगे वनीला वाले में, जीएफ इंक्लूडेड वाले में नहीं मिलता, बाकी यहाँ पे हमें मिल जाता है। एंड वोल्टी हमारी जो है बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। बाकी बात करते हैं कैमरे की, तो MIUI का कैमरा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड हमारा वर्किंग है बिल्कुल अच्छे तरीके से। वीडियो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वीडियो क्वालिटी जो है हमारी यहाँ पे 1080 60 FPS एंड 4K 30 FPS तक देखने को मिल जाती है। और GKM की अगर हम बात करें तो GKM का 7.4 मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा काम कर रहा, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलता, तो GKM 7.4 भी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। बाकी अगर हम बात करते हैं प्ले स्टोर की, तो प्ले स्टोर हमें हमेशा की तरह सर्टिफाइड हमें मिल जाता है, और यहाँ पे FM मिल जाता है, और म्यूजिक प्लेयर यहाँ पे ऐड कर दिया गया है रेट्रो का, तो रेट्रो का म्यूजिक प्लेयर जो है इस अपडेट में यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड बात करते हैं बैंकिंग ऐप के बारे में, तो जीपे हमारा बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, और वहीं पे अगर हम बात करते हैं मूवी क्विक की, तो मूवी क्विक की बात करें तो मूवी क्विक भी जो है हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। तो ऑलमोस्ट आपके सारे बैंकिंग ऐप जो है यहाँ पे बिल्कुल ऐसे तरीके से काम करते हैं हमेशा की तरह, जैसे कि पहले काम करते थे। बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रीवियस बिल्ड में ही आपको देखने को मिल गया होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रीवियस बिल्ड में मैं बता रखा हूँ इसकी सारी सेटिंग्स के बारे में भी, तो ये जो है रिकॉर्डिंग हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है काफ़ी सारी सेटिंग्स के साथ। और बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो एक जैसे कि कोरवस का जो ऐप लॉक है और प्रोटेक्शन जो दिया गया है, काफ़ी सारी मैं वीडियो में नहीं बताया लेकिन यहाँ पे आज बता देता हूँ, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है इसके लॉन्चर में, जो कि आप हाइड कर सकते हो आइकन को, इसके जो ऐप है उनको हाइड कर सकते हो, और साथ साथ यहाँ पे ऐप लॉक भी लगा सकते हो। जैसे कि मैं क्रोम पर लगा देता हूँ यहाँ पर, और क्रोम पे ओपन करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोटेक्टेड है ये ऐप, तो यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन आपका जो है बिल्कुल ऐसे तरीके से काम करता है, तो ऐप लोग आप यूज़ कर पाओगे। बाकी यहाँ पे सेटिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे न्यू आपको देखने को मिलने वाला है एनिमेशन, तो जैसे कि हम जाते हैं नेटवर्क में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्क का जो आइकन है इस तरीके से जो नेटवर्क का एनिमेशन आपको देखने को मिलता है, उसी तरीके से बैटरी में जाते हैं तो बैटरी का भी एनिमेशन देख सकते हो, तो हर एक ऑप्शन में आपको जो है उसका जो है एनिमेशन देखने को मिलने वाला है। ये जो है न्यू अपडेट आपको इस अपडेट में 7.5 में ऐड कर दिया गया है, तो जैसे कि आप देख सकते हो हर जगह आपको ये एनिमेशन देखने को मिलने वाला है इस तरीके से, सिक्योरिटी की तरह साउंड में स्पीकर की तरह जैसे कि साउंड का होता है उस तरीके से आपको मिल जाता है। बाकी कोरवस पार्ट के अंदर अगर हम चलते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा जो है देखने को मिल जाता है FPS इन्फो, जो कि ऑलरेडी हमारा पहले भी देखने को मिलता था और बिल्कुल इस तरीके से वर्किंग है। एंड यहाँ पे बात करते हैं नोटिफिकेशन के, तो नोटिफिकेशन में फिलहाल कोई चेंजेस नहीं है, एज लाइटिंग भी हमारी वर्किंग है। मिसलेनियस के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे गेमिंग मोड मिल जाता है, एंड साथ साथ इसके नीचे अगर हम चलते थे यहाँ पे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अगर हम लॉक स्क्रीन में चलते हैं तो इसके अंदर हमें फिंगरप्रिंट अनलॉक ऑप्शन ऐड किया गया है, जो कि अनलॉक डिवाइस विद फिंगरप्रिंट आफ्टर रीबूट, तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे जो है हमें देखने को मिल जाएगा फिंगरप्रिंट के अंदर, जो कि लॉक स्क्रीन के अंदर हमारा फिंगरप्रिंट। एंड बैटरी की बात करें तो बैटरी के अंदर भी फिलहाल यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, सारी सेटिंग्स हमें सेम देखने को मिलती है। एंड कैरियर लेवल मिल जाता है, क्लॉक ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अगर हम बात करते हैं आइकन मैनेजर की, तो आइकन मैनेजर में आइकन में कुछ इशूज़ थे उसको भी यहाँ पे जो है
फिक्स कर दिया गया और बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्किंग है। बाकी कस्टम लोगो मिल जाता है। एंड क्विक सेटिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलने वाला। अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे जो टिंट वाला देखने को पहले हमें मिलता था, क्लिक करने पे डायरेक्ट सिस्टम यूआई रिस्टार्ट में बोलता था, लेकिन अब आपको यहाँ पे रैंडम कलर, एसेंट कलर एंड डिस्को, इस तरीके से दो ऑप्शन मिल जाता है और साथ साथ क्यूएस लेवल टिंट भी देखने को मिलने वाला है। तो इस चीज़ को आप अगर चूज़ करते हो यहाँ पे, जैसे कि रैंडम चूज़ करते हो, तो उसके लिए आपको जैसे कि आप देख सकते हो कलर रैंडम वाला इस तरीके से देखने को मिलने वाला। आइकन्स पे जो कलर है आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, लेकिन आपका जो है ये उसी टाइम इफेक्ट यहाँ पे नहीं करता कलर। आपको जो सिस्टम यूआई रिस्टार्ट करनी पड़ेगी तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं मांगता था, आपको एडवांस रिबूट में मिल जाता था, पावर बटन प्रेस करना, एडवांस रिबूट में आपको सिस्टम यूआई मिलता है, उस पर क्लिक करोगे तो ये जो है सिस्टम यूआई आपकी रिस्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद जो है इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी नीचे हमें ये सारे सेटिंग्स हमें देखने को ऑलरेडी मिल जाते थे क्विक सेटिंग्स में। बाकी ट्रैफिक इंडिकेटर हमारा वर्किंग है बिल्कुल अच्छे तरीके से। एंड यहाँ पे चलते हैं हम नेविगेशन बार जो कि हार्डवेयर की के अंदर, तो यहाँ पे बटन की अगर हम बात करें तो बटन के अंदर हमारा ऑलरेडी सेटिंग सारी मिल जाती है। नेविगेशन बार में आपको पल्स मिल जाता है जो कि यहाँ पे इस अपडेट में 7.5 में ऐड किया गया है, तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारा काम करता है। तो इसके लिए हमें 3-बटन नेविगेशन इनेबल करना पड़ेगा, हम यहाँ पे इनेबल कर लेते हैं और आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको म्यूज़िक प्ले करना पड़ेगा, हम यहाँ पे म्यूज़िक प्ले कर लेते हैं, डाउनलोड कर लिए हैं ऑलरेडी एक, हम यहाँ पे प्ले करते हैं म्यूज़िक और आपको दिखा देते हैं किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे तो म्यूज़िक हमारा यहाँ पे प्ले हो चुका है और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ अभी इसे इनेबल करके, तो जैसे कि मैं यहाँ पे पल्स को इनेबल करता हूँ तो अगर आप नीचे देखोगे तो आप देख सकते हो विजुलाइज़र जो कि हमें देखने को यहाँ पे इक्वलाइज़र जो कि हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो आप सॉलिड भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं इसके कि किस तरीके से मोड आपको रखना है। यहाँ पे स्मूथ भी कर सकते हो आप एंड कलर मोड भी आप चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे आपको देखने को नीचे कलर मोड भी देखने को मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हो, एंड साथ साथ रैंडम कलर भी आप अपने हिसाब से, अब इसकी सेटिंग्स काफ़ी सारे मिल जाते हैं तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कलर ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि यहाँ पे ऐड कर दिया गया इस अपडेट में। बाकी यहाँ पे फिलहाल मैं जेस्चर इनेबल कर लेता हूँ, जेस्चर भी हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर इसकी सेटिंग्स। एंड यहाँ पे नीचे आपको कुछ सेटिंग्स इसके देखने को मिल जाते हैं, ये सारी सेटिंग्स हमें देखने को मिलने वाली है। पावर मेन्यू के अंदर हमारा वही एडवांस रिस्टार्ट हमें देखने को मिल जाता है। एंड बैक करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं थीम्स के, तो थीम्स के अंदर हमारे प्रीवियस बिल्ड में यहाँ पे ऐड किया गया था क्यूएस स्टाइल स्टाइल जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी सारी चीज़ें जो है सेम देखने को मिलने वाली है। और कनेक्टेड डिवाइस के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर हमारा जो कास्ट देखने को मिलता था, कास्ट बिल्कुल ऐसे तरीके से वर्किंग है जैसे कि आप देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी सेवर, एडेप्टिव बैटरी एंड बैटरी चार्जिंग वार्निंग मिल जाता है, स्मार्ट चार्जिंग मिल जाता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 आवर की मूवी फुल ब्राइटनेस पर प्ले करने के बाद 66% हमें बैटरी देखने को मिल जाती है जबकि प्रीवियस बिल्ड में 63% देखने को मिलती थी। तो बैटरी बैकअप आपकी काफ़ी यहाँ पे इंप्रूव हुई है प्रीवियस बिल्ड के मुकाबले, ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे डिस्प्ले की सेटिंग्स की बात करें तो लॉक स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर हमारा ऑलवेज ऑन मिल जाता है जो कि बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे हमारा ऑटो ब्राइटनेस, नाइट लाइट हो गया, स्टाइल एंड वॉलपेपर, ये सारे बिल्कुल अच्छे तरीके से अप्लाई करके एंड काम भी कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती है। डबल टैप टू बैक भी जो है हमारा काम कर रहा है। एंड बात करते हैं साउंड की, तो साउंड के अंदर भी आपको सारी सेटिंग्स हमें मिल ही जाती है जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है यहाँ पे। और बात करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी भी हमारा फिंगरप्रिंट हो गया, फेस अनलॉक हो गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो इसमें भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती और बाकी इंप्रूव भी किया गया पहले से, तो आपको जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। एंड बात करते हैं डिजिटल वेलबिंग की, तो डिजिटल वेलबिंग का भी सपोर्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है। एंड नीचे हमारा जो दिया गया है यहाँ पे सिस्टम, तो सिस्टम के अंदर भी आपको जेस्चर यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से भी आप जो है जेस्चर इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, नेविगेशन बार भी अपना जो है इनेबल कर पाओगे, अडेप्टिव प्लेबैक देखने को मिल जाता है, ये सारी चीज़ें हमें सेटिंग में मिल जाती है। बात करते हैं इंटूटू बेंचमार्क स्कोर की, तो 146,756 हमें यहाँ पे इंटूटू बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें पबजी की, तो पबजी का जो ग्राफिक है हमें यहाँ पे HD का सपोर्ट मिल जाता है और फिलहाल मैं यहाँ पे स्मूथ एंड हाई फ्रेम रेट पे खेलने वाला हूँ। और बात करें पबजी परफॉर्मेंस की, तो प्रीवियस बिल्ड में जो है थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब हो गया था परफॉर्मेंस पबजी का, लेकिन यहाँ पे जो है इस अपडेट में आपको प्रीवियस बिल्ड से थोड़ा सा बेटर आपको देखने को जो है पबजी परफॉर्मेंस मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इंप्रूवमेंट फिर से हमें देखने को यहाँ पे मिली है, बैटरी बैकअप में भी देखने को मिली है और साथ साथ हमारी गेमिंग में भी देखने को मिली है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आप जो है गेमिंग भी बिल्कुल ऐसे तरीके से कर सकते हो और यहाँ पे प्रीवियस बिल्ड से आपको बेटर ही यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है, इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे मिल जा रही है हर चीज़ में यहाँ पे इस अपडेट में। और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एनिमेशन भी आपको देखने को मिल जाते हैं सेटिंग्स के, और भी कुछ जो फीचर्स यहाँ पे ऐड हुए थे वो आप सारे आपको यहाँ पे मैं बता ही चुका हूँ। तो यही सारी चीज़ें थी यहाँ पे इस वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ
बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर ले ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाओ। साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल में भी ज्वाइन कर ले क्योंकि वहाँ पर आपको सारी अपडेट जो है मिलती रहेगी। तो चलिए यहाँ पर हम आज की वीडियो में बस यही सारी चीज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.